कतौली विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही भाजपा को आज उस समय तगड़ा झटका लगा जब त्यागी समाज के सबसे बड़े गांव नावला में पंचायत कर भाजपा के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया। नोएडा के श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर त्यागी समाज में भाजपा के प्रति आक्रोश है। कतौली विधानसभा सीट पर इस समय उपचुनाव को लेकर भाजपा और रालोद दोनों आमने सामने हैं। दोनों दलों के प्रत्याशी मदन भैया व राजकुमारी सैनी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच एक स्वर अब त्यागी समाज से बीजेपी के विरोध में निकलने शुरू हो गए, जिसके चलते शनिवार को कतौली विधानसभा क्षेत्र के नावला गांव में त्यागी समाज की एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव से त्यागी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस पंचायत में फैसला लिया गया कि इस उपचुनाव में त्यागी समाज भाजपा का बहिष्कार करेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए नोएडा के श्रीकांत त्यागी और मेरठ के दीपक त्यागी प्रकरण को लेकर यहां के त्यागी समाज में बीजेपी के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है। नावला में हुई त्यागी समाज की पंचायत में बोलते हुए भाकियू नेता मांगेराम त्यागी ने कहा कि नावला गांव मुजफ्फरनगर के त्यागियों की राजधानी है, जो खतौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि हम यहां समाज को ये बताने आए हैं कि 2 महीने जो हमारा धरना चला है, जिसमें श्रीकांत त्यागी, वानु त्यागी और उन 6 बच्चों के प्रकरण को लेकर उसमें इस सरकार द्वारा हमारी अनदेखी की गई, हमारा मजाक उड़ाया गया, हमारे ऊपर 5-5 मुकदमे लगा दिए गए और मंत्री संजीव बालियान हैं जिन्होंने एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। मांगेराम त्यागी ने कहा कि आज हम त्यागियों को समझाने आए हैं कि भाजपा का बहिष्कार करो, ये हमारी बात नहीं सुनते हैं। यहाँ के जितने भी नेता हैं, किसी ने भी त्यागी समाज के बारे में कुछ नहीं कहा है, केवल इनको हमारी वोट चाहिए। ना हमारा कोई विधायक बना, ना कोई जिलाध्यक्ष बना, ना ही नगर निकाय चुनाव में हमारा कोई लड़का चुनाव लड़े, इन्हें बस हमारी वोट चाहिए। इनका इस बार हम बहिष्कार करने का काम करेंगे, चाहे नोटा दबाएं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मांगेराम त्यागी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर जमकर निशाना साधा। वो किसी को बाहुबली बताती हैं, किसी को कुछ बताती हैं, कभी अपने गिरेबान में झांक ले, वो सबसे बड़े बाहुबली हैं। मांगेराम त्यागी ने कहा कि कवाल कांड से भाजपा को सत्ता नसीब हुई है, सचिन गौरव का परिवार चिल्ला रहा है जिनके कारण इनकी सरकार बनी, इन्हें तो वोट चाह रही है, चाहे किसी की गर्दन कट जाए, ये तो धर्म के नाम पर वोट ले रही है, ये हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। पत्रकार बंधु है, मैं इन लोगों को बधाई दे रहा है, इन्होंने हमारे समाज की जो बात है, वैसे चैनलों ने छोटे जो हमारा उपवास उड़ा गया, ये वहां हंसकर निकल थे। संजीव बालियान जी कहती 3 बार निकली मेरी बराबर में को, और जब हम वहां बैठे थे उस दिन इतने हमारे आदमी थे, उतनी हमारे चारों तरफ पुलिस लगा रखी थी। जिस दिन माननीय योगी जी आए, 5 बार हमारा माइक बंद किया गया पुलिस के द्वारा, अफसरों के द्वारा, के वहां से आवाज ना जाओ। कहती करे संजीव बालियान जी अभी मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन का वो था जाएगा, वहां कर देते करे वो बंद वहां करवा देते, तो मुझ देते पे तो ये जो है ना। और सुनो, मैं मुझे कहने में कोई फर्क नहीं है, समाज के लड़के के साथ गर्दन उतर जाती तो नुकाता मंत्री पद बाद में मैं पहला थारा हूं और माननीय योगी से 1 घंटे में बात करवा देता। मुझे कहने में कोई अक्षोभ नहीं है, दुख हो रहा, अक्षोभ हो रहा हमारे समाज के अजीत पाल, हमारे नीति त्यागी जी और जो भी 2-4 थे मेरे से बात करने की कोशिश की गई, और मैं नाम नहीं ले रहा, नेता से मेरी बात हुई हमारे समाज के। खतौली में हमारा एक रिश्तेदार है, वो सहारनपुर जनपद का, शायद नावले वाले जानते हो, संजय त्यागी यहां रहा है, वो वहां छत पर गिर गया जहां रहा था, वो लड़का शायद 38 साल की उम्र थी, उमर गया। जब उसकी डेड बॉडी आई, हम भी आ गए, उसमें पता लग गया भाई कुछ और ठेकेदार था, हो सका इसके साथ कोई हादसा ना हो तो पोस्टमार्टम करो। यहां नावले के भी थे प्रधान जी उस समय के, जब वहां गए उसने बदतमीजी करी, 5 त्यागी मेरी साथ थे, इसने बदतमीजी करी और उन शब्दों का इस्तेमाल वो करना चाह, लेकिन अब हम भी भाई ऐसा संगठन जुड़े, हम कहां सुन लेते उसकी, हमने उसे पहले रोक दिया। लाल सी कुर्सी पड़ी थी, मेरा आदमी ध्यान है कोठा था उसका कमरा था, मगा मंत्री जी विधायक था जब यो, मगा थोड़ा शांति, शांति का दान दे, शांति का इतनी बड़ी होनी, इतना कैसे बोल रहे हो, मगा जैसा तू बोल रहा है। तो यो वो विधायक है जिस आदमी को, जिसके यहां सम्मान नहीं, जिसके यहां स्वाभिमान नहीं, दूसरे का मान सम्मान नहीं करता हो, ऐसे आदमी को विधायक और वो बनाकर क्या जो होना वो है। और मेरा तो आप सब पूरे यही निवेदन है भाई, हम 5 मुकदमे ले गए, मारा उपवास उड़ाया गया,
मेरा आपका जो है ना हर जगह जहां भी अफसरों को जानते हैं बैरियर लड़ा दिए जाए। पत्रकार बंधु है, मैं इन लोगों को बधाई दे रहा है, इन्होंने हमारे समाज की जो बात है, वैसे चैनलों ने छोटे हंसवेरी घर में बैठे बने भाषणबाजी तो नहीं होंगी, लेकिन अपनी जो पीड़ा है वो बताऊंगे नामले ग्रामवासियों को। क्योंकि जी 3,500 वोट तो सोते ही, 1,000 वोट तो ऐसे है, 1,500 जो खिलाफ पड़े पड़े, 1,500-2,000 वोट और मिला दो और गारंटी से बिंडी पड़ी पड़ी। रही बात उसकी क्या है, समाज एक ऐसा समाज है अपने साथ में 4 वोट लेकर चले, सबसे ज्यादा खरदू ताड़ने वाला समाज है। एक दफा किसी कहेगा टिकट कट गया यहां से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं किसी भाजपा ने किसी को सिंबल दिया हो, चेयरमैन नगर में 13 वे वार्ड मेंबर थे, 13 मेंबर जो त्यागी बाहुल्य थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं किसी भाजपा ने किसी को सिंबल दिया हो, चेयरमैन नगर में 13 वे वार्ड मेंबर थे, 13 मेंबर जो त्यागी बाहुल्य थे। और मामला यह है कि तुलनी विधानसभा में उपचुनाव है और यहां से जो हमारा समाज है वो निर्णायक स्थिति में है खतौली में। देखो अभी 2 महीने त्यागी समाज तक धरना चला है, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का जनपद मेरठ में, और आज हम इसलिए ये जनपद मुजफ्फरनगढ़ का जो गांव है ये नावला, यहां से पूरे हमारे जो समाज है ये हमारे समाज की एक रीढ़ है, गांव ये बहुत बड़ा गांव है और सभी बड़े अच्छे किसान हैं यहां पर और सामाजिक कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर हर सामाजिक काम में हिस्सा लेते हैं। हम इन लोगों से आए आज कुछ बातें करने और वे बातें ये हैं कि 2 महीने धरना चला, माननीय योगी जी जब हमने उन अपनी माँ बहन और बेटी की आवाज जो उठाने का काम किया वहां पे चौधरी चरण सिंह पार्क में 100 मीटर की दूरी पे जो हमारे माननीय योगी जी आ रहे थे, कोई मिलने का काम नहीं किया। उसमें संजीव बालियान जी जनपद मुजफ्फरनगर से जा रहे थे, इनको पता भी था कि मांगेराम त्यागी यहाँ बैठे हैं। संजीव बालियान जी आज किस मुंह से त्यागी गांव में जाएंगे, भाजपा लीडर किस मुंह से गांव में जाएंगे, मतलब यह है कि हमारे पर 5-5 मुकदमे वासी कर दिए गए। दीपक त्यागी हत्याकांड हुआ, उसकी लड़के की गर्दन काट दी गई, 6-7 दिन तक बच्चे की जो गर्दन है फ्रीजर में रखी गई, उस प्रकरण में मैं वहां गया, आंदोलन हुए, जब जाएगा कहीं में बदमाश और वो भी निर्दोष जो हम बता रहे हैं। तो आज बैठा हूँ क्या निर्णय ले जा रहा है, अब वही बता रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। ये जब ये लोग माननीय योगी जी 100 मीटर दूरी पे डीजीपी और प्रमुख सचिव दीपक त्यागी के जो पिताजी हैं लखनऊ में गए, 36 घंटा रहे माननीय योगी जी ने भी उनसे मिलकर दिए, यानी के गौरव और सचिन जो हमारे यहाँ के कवाल कांड का जो जहाँ पूरे भारत में इनकी सरकार आई है, अभी वो भी आपके झोला चैनलों पर चिल्ला रहे हैं। दीपक त्यागी की गर्दन कट गई, कहां है हिंदू संगठन, कहां है भाजपा वाले, क्या वो हिंदू नहीं, क्यों नहीं गए संजीव बालियान जी वहां से, क्या केवल जनपद मुजफ्फरनगर में और किसी जाति विशेष के नेता है ये, अगर किसी को छींक भी आ जाए अपनी जाति में तो वही जाते हैं, त्यागियों का ये उपवास उड़ाते हैं। मैं अपने समाज से आज निवेदन करना हूँ कि यहाँ के जो जनपद मुजफ्फरनगर में 2-2, 3-3 मंत्री है, क्या गोपाल त्यागी हिंदू नहीं है, जो नगर पालिका में है उसके खिलाफ 2 FIR हो चुकी, ये जो इनको होड़ दे रहा है उसी का इलाज कर रहे, और मैं आप अपने भाइयों से निवेदन करना हूँ कि भाजपा का बहिष्कार करो। कितने जिला अध्यक्ष बनाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कितने को टिकट दे रखे, कितने नगर निकाय में, और समझ रहे माननीय मंत्री जी संजीव बालियान जी उसके कंधे बाहर धर के बोलते हैं महेश शर्मा के, जो इस समाज का दुश्मन है, जिसने हमारी
बहन और बेटियों को राजेंद्र अग्रवाल के साथ ट्रेन में सफर करते हैं, वहाँ लग्जरी ट्रेन में बैठकर बढ़िया खाना खाएगा, वहां से बोलते हैं ऊपर हमारा वहाँ 2 महीने वो चल रहा था, हमारे से कोई बात करे नहीं, अधिकारी या कोई मंत्री, इन लोगों ने वहाँ एक मैसेज दे रखा है लखनऊ में कि त्यागी समाज पहले भी 99% हमारी साथ था और आगे भी रहेगा, इन सब कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टरों में चोट देगा त्यागी समाज? चोट नहीं देगा, इनके इलाज करेगा। चोट किसे का है? इनका इलाज होगा, इलाज बढ़िया तो रहो। गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं त्यागी समाज? ये हम अपने समाज को छूट दे रखी, हम किसी के लिए वोट मांगने नहीं आए, हम तो केवल अपनी पीड़ा इन लोगों को बताना है कि हमारा मजाक उड़ाते हैं लोग। अभी कुछ लोगों ने कहा है कि चाहे पैर पकड़ने पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, लेकिन वोट के लिए देखो, हम तो अपने समाज को केवल यही कहना है कि अगर इस समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि क्या दीपक त्यागी त्यागी नहीं था, उसकी गर्दन कट गई और माननीय योगी जी 100 मीटर की दूरी पे उनसे भी लड़े आ रहे, वहाँ पाकिस्तान में तो जा रहे इनके माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, वहाँ तो जा रहे हैं खीर बाण, बच्चे गर्दन कट गई उससे नहीं होना मिलना, 5 मिनट का समय नहीं इनके पास, इनका कोई अधिकारी 2 महीने रहे हमारे पास नहीं, केवल अगर जनपद मेरठ से हम लेकर आए, हमें न्यायालय से केवल न्याय मिला है, इन लोगों ने केवल अगर हम जनपद मेरठ से लेकर आए तो 5 मुकदमे लेकर आए हैं, इन्होंने जो है त्यागी समाज पर, और ये नहीं है मांगेराम त्यागी पर लगे, जो हमारी बहन बेटिया थी जो टोल पर बैठी थी उस दिन, उन इन्होंने इतनी शर्म नहीं आई कि उन पर भी मुकदमे लगाने का काम किया, आज इन्होंने हमारी जो बहन बेटी है संजीव बालियान जी, जब उमेश मलिक जी के साथ में सिसोली में हो गया था, इतना बड़ा कांड हो गया था, बता रहे मारपीट होगी, ये हो गया वो हो गया, आप केवल एक ही समाज के मंत्री हैं क्या? कौन से त्यागी समाज की आपने आवाज उठाई? कौन से गुज्जर समाज की आपने बात उठाई? सबका आप उपवास करते हैं, आप बाहुबली है ना, आप बाहुबली के भाई हैं, आपका जो भाई है आप दूसरे पर कमेंट करते हैं, आपका भाई भी तो बाहुबली था, कभी आपने उसको बोला दो सब? तो मैं कहता हूँ अपने गिरेवान मजान को, और मैं अपने लोगों से निवेदन करूंगा, जिस तरह इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अफसरों के द्वारा हमारे आगे बैरियर लगाए, जहां भी हम जाते वहां बैरियर लगे मिले थे, अफसरों के साथ उथल पुथल लोगों पुलिस साथ, जब हम जाकर अपने धरने बैठते थे, आज इनका गांव में घुसने का गांव में बहिष्कार करते भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो यहां तक कहूंगा अपने भाइयों से अपने से, मैं मुझे पल्ला पड़े, और जो हमारे युवा है आज हम अपने युवा को जगाना है, युवा हमारे समाज की रीढ़ है, मामले जैसे गांव के जुजुआ हम इन लोगों को समझाने आए हैं कि इन लोगों ने हमारी साथ में वहां क्या नहीं किया, ये हमारा उपवास उड़ाते थे, इनके जो अधिकारी हैं वहां के जो कमिश्नर थे सुरेंद्र सिंह, मेरी वहां के जिला अधिकारी से बात हुई, उन्होंने बोला कि त्यागी जी ऊपर जो बात हो रही थी वहां के जो ऊपर कैबिनेट मंत्री लोग थे बात करना थे, लेकिन इन लोगों ने एक मैसेज दे दिया कि त्यागी समाज पहले भी 99% था, अगर देंगे हमने कहा मका समय आने दो, आज समय है, नगर निकाय चुनाव आ रहे उसमें भी हम विरोध कराएंगे इनका, और ये भी कराएंगे, अरे हमारा तो इन्होंने ऐसा इलाज कर दिया, सपा बसपा कांग्रेस लोकदल तो इसलिए नहीं हमारा प्रमोट करती हमारे समाज को कि सब भाजपा के हैं, और भाजपा इसलिए नहीं करती कि इनके गांव में जाओ या मत जाओ, जहां 10-10 हजार वोट है उन गांव में जाओ या मत जाओ, मैं वोट तुम्हारी गुलाम है तुम्हारा देंगी, ये नहीं चलेगा, आज हम अपने समाज को जगाने आए हैं और अपना जो अधिकार है उसको छीनने आए हैं, और हम इनसे निवेदन करने आए हैं, चाहे उनका हाथ जोड़ो। समर्थन? अरे भाई हम समर्थन की बात नहीं कर रहे, हम समर्थन की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कर रहे हैं कि भाजपा का बहिष्कार करो, हमें भाजपा का बहिष्कार करना, और मैं इन गांव वालों से कहता हूँ कि संजीव बालियान को आपने जीता के राजा बना रखा, इस संजीव बालियान से पूछो क्या दीपक त्यागी हत्याकांड में और हमारी बहन बेटी जेल गई है, और उसमें 11 SDF की टीम थी जो उन्होंने उत्पीड़न का काम उन बच्चों का किया है, और वे 6 लड़के क्या एक शब्द बोल रहा है श्रीकांत त्यागी प्रकरण में, तो उसे पूछने का काम करें, आज इनसे जवाब लिया जाएगा, अवश्य लिया जाएगा, यही मेरा आपसे निवेदन है, और मैं आपको बधाई दे रहा हूँ आपके जो छोटे छोटे चालान है ये आज तक NDTV वाले, इनके तो बड़े बड़े मकान है ना भाई, कंच के मकान है करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के, तो दोनों भाजपा वालों से, और आप जो है धरे दो चाचा 1000 रुपए मोबाइल है, जब तक तो नगर लगा हटकर मिल जाए। वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।